नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रियासन आपके साथ है, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे झारखंड की 5 प्रमुख खबरों का। सबसे पहले एचसी ने यानी कि हाईकोर्ट ने रिम्स से खाली पदों की मांगी है जानकारी, और चीफ जस्टिस ने कहा कि रिम्स की व्यवस्था लचर है, प्रबंधन और सरकार को गंभीर रूप से इस पर ध्यान देने की जरूरत है। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में 4 सप्ताह में खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। एफिडेविट दायर कर रिम्स से बिंदुवार जानकारी देने को लिए कहा है, और कोर्ट ने बताने को कहा है कि रिम्स में किन किन पदों पर नियुक्ति के लिए कब कब विज्ञापन निकाले गए हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन कौन से स्वास्थ्य उपकरण खरीदे गए हैं। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस एन प्रसाद की अदालत में आज यानी कि गुरुवार को इस मामले में सुनवाई हुई, और इस दौरान अदालत ने रिम्स प्रबंधन से विस्तृत जवाब मांगा है। हाईकोर्ट का कहना है कि रिम्स की चिकित्सीय व्यवस्था बहुत लचर है और इसको कर आपको ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि रिम्स राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है और सभी लोग इसी से उम्मीद कराकर वहां इसी उम्मीद में वहां इलाज कराने जाते हैं। वहीं दूसरा मामला है लॉ यूनिवर्सिटी फंड मामला। झारखंड के चीफ जस्टिस ने कहा कि एनएलयू मामले में सरकार का रवैया कोर्ट के अवमानना अवहेलना जैसा है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को फंड दिए जाने के मामले पर सरकार की ओर से निर्णय लेने में देरी और इस मामले को गंभीरता से नहीं दिखाए जाने पर आज यानी कि गुरुवार को हाईकोर्ट ने फिर एक बार अपनी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा कि सरकार का यह रवैया कोर्ट के अवमानना जैसा है। कोर्ट ने काफी पहले ही सरकार को एनएलयू के सभी संसाधन और जरूरतें पूरा करने का निर्देश दिया था, बावजूद इसके कैबिनेट ने वन टाइम फंड देने का निर्णय लिया, यह गंभीर मामला है। वहीं तीसरी खबर है कि 2000 एक्सपर्ट्स अब बच्चों की करेंगे मदद। फिलो ऐप के माध्यम से बोर्ड की तैयारी के साथ साथ जेईई और मेडिकल के भी पूछ सकेंगे सवाल। झारखंड के 4 जिलों के बच्चों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए शिक्षा विभाग की ओर से विशेष तैयारी की गई है। देश भर के IITians और मेडिकल के छात्र व अन्य बड़े संस्थान के एक्सपर्ट्स बच्चों की तैयारी में मदद करेंगे। इसके लिए रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो के 10वीं और 12वीं के बच्चों का रजिस्ट्रेशन फिलो ऐप पर कराया जा रहा है। शिक्षा विभाग की संयुक्त सचिव गरिमा सिंह ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये पहल की गई है। फिलो ऐप में फिलहाल 2000 से ज्यादा एक्सपर्ट्स बच्चों की मदद के लिए जुड़े हैं। ये न केवल बच्चों के सवालों का जवाब देंगे बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनके क्लास की भी व्यवस्था करेंगे। काम की खबर यह है अगली की बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आई है और सहायक नियंत्रक के 8 पदों के लिए 25 फरवरी को वॉक इन इंटरव्यू करवाया जाएगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय यानी कि BAU में सहायक नियंत्रक के 8 पदों के लिए वैकेंसी निकली है। इसकी अधिसूचना यूनिवर्सिटी के सहायक निदेशक की तरफ से जारी की गई है। यह नियुक्ति पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी और इसमें 4 पद सामान्य, 2 पद ST और BC व SC के लिए 1-1 पद आरक्षित होगा। इसका वॉक इन इंटरव्यू 25 फरवरी को होगा। इसके अलावा अभ्यर्थियों को बायोडेटा, 2 पासपोर्ट साइज, कलरफुल फोटो, उम्र, अनुभव, प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं सभी अभिलेखों की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी के साथ वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होना होगा। वहीं आखिरी खबर ये ऑफलाइन पढ़ाई से रिलेटेड है। KU और कॉलेजों में मार्च से शुरू हो सकती है ऑफलाइन पढ़ाई। UGC के निर्देश देने के बाद राज्य सरकार के आदेश का हो रहा है इंतजार। कल्हान विश्वविद्यालय और उसके कॉलेजों में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो सकती है। UGC ने पहले ही विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को पूरी तरह से खोलने का निर्देश दे दिया है। ऐसे में सभी BVU अब राज्य सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हाल में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सभी BVU से संस्थानों की पूरी तरह से खोलने को लेकर सुझाव मांगा है। इसके लिए उनके स्तर पर क्या तैयारी है इसकी जानकारी भी मांगी गई है। फिलहाल आज की प्रमुख 5 खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे झारखंड की 5 प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।